बाबा दर्शन करती है। मेरा नाम मंजू व्यास है। मैडम आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है जी। आज हम सभी काशीवासी और सभी सनातन धर्म से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग अपने घर में दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए, हर हर महादेव का नारा जरूर लगाए। आज काशीवासी योग्य है। आज पूरे हिंदू सनातन धर्म की बहुत बड़ी विजय हुई है और हर हर महादेव। इतनी खुश है इतने दिनों के बाद फैसला, क्योंकि फैसला आना था। किस मस्जिद में बताइए शिवलिंग होती है, किस मस्जिद में बताइए कि शंख होते हैं, कहाँ स्वास्तिक बना रहता है। वो मस्जिद नहीं थी, महाजिद थी। मान पुड़ना भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी की बम बम बोल है काशी की, बम बम बोल है काशी, हर हर महादेव। अरे बोलिए भाई, हर हर महादेव। फैसला अपने पक्ष में सुनाया है। उसने कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी 7 रूल 11 के तहत, कि ये 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, इसलिए ये सुनने योग्य नहीं है, पोषणी नहीं है, इसलिए इस दावे को खारिज कर दिया जाए। दोनों पक्षों की सुनवाई 2 महीने सुनवाई करने के बाद माननीय न्यायालय ने इस निर्णय पर पहुंचे कि ये मुकदमा सुनने योग्य है, पोषणीय है, और उनकी आपत्ति को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। 22 सितंबर को तारीख उन्होंने दिया है और 22 सितंबर के बाद चलेगा कोर्ट की जो प्रोसेस है, प्रोसीजिंग है, वो चलेगी। आपके पक्ष में फैसला आ गया? अरे भाई, हमारे पक्ष में आया, देश के पक्ष में आया, ये तो एक स्वाभाविक चीज़ है, आप भी समझ सकते हैं। ये तो एक सामान्य सी चीज़ है कि जब मामला दावा जो है ये सुनने योग्य, माननीय न्यायालय ने सुनवाई योग्य समझकर स्वीकार कर लिया, तो भाई हमारी विजय है। अब ये मुस्लिम पक्ष जाए, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये उसका विषय है। मैं मदन मोहन यादव, अधिवक्ता हिंदू पक्ष। जी, निर्णय हमारे पक्ष में आ गया है। मुस्लिम पक्ष का जो हवा खड़ा किया जा रहा था, वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड अधिनियम, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल जाए मुकदमा, उन सबको माननीय न्यायालय ने खारिज करते हुए हमारे पक्ष में निर्णय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अत्यंत हर्ष का दिवस है आज। वो खारिज कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे निरंतर पूजा इत्यादि होती रही है, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 22 22